के अंतर्गत जो चार जिले आते हैं उसमें एग्जाम्स को लेके विद्यार्थियों में काफ़ी एक कन्फ्यूज़न क्रिएट है हो चुका है। ये कन्फ्यूज़न होने के बहुत सारे रीज़न भी हैं, लेकिन मैं सभी विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो निर्णय पूरे स्टेट लेवल पे हुआ था उस निर्णय का पालन करना विद्यार्थी को भी एक बंधनकारक होता है। इसीलिए जो निर्णय आया सभी विद्यापीठ के वाइस चांसलर ने मिलकर जो ऑफलाइन का निर्णय दिया था उस चीज़ को लेके ही वो चल रहा है। अभी कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं ऐसे हमारे भी विद्यार्थी के दृष्टिकोण से क्या अच्छा रहेगा, कितना कंफर्टेबल रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या निर्णय होता है सभी विद्यापीठ के वाइस चांसलर का, एक बार हम भी बैठ के एक निर्णय लेंगे। और आपके करंट सिचुएशन में क्या पॉसिबली हम ज़्यादा अच्छे से कन्वीनियंटली ले सकते हैं इसके बारे में भी निर्णय होगा, और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ये हफ्ते में फाइनल होने की संभावना है। और शेड्यूल जहाँ तक है 15 जुलाई के पहले सभी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन खत्म होगी, इतना मैं आपको जरूर वादा करता हूँ। और रहा बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का, तो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में